गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9111015115 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9111015116। खंडवा में आचार संहिता के बीच अवैध हथियार ले जाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जसवाड़ी गांव के पास से इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 10 नाग देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा ने किया। उन्होंने बताया कि 3 आरोपी बुरहानपुर जिले के खकनार के रहने वाले हैं। 3 अवैध हथियार की सप्लाई करने का काम करते हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है कि ये अवैध हथियार किसे और किस जिले में देने जा रहे थे। चूंकि चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है, इसलिए पुलिस सभी एंगल पर अपनी जांच कर रही है। कहीं आरोपी अवैध हथियार की तस्करी चुनाव प्रभावित करने के लिए तो नहीं कर रहे थे, इसी को लेकर पुलिस आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है। शुरुआती मामला है, इसलिए पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। आरोपियों पकड़ने इनकी रही अहम भूमिका। पुलिस द्वारा की गई संपूर्ण कार्यवाही में थाना कोतवाली थाना प्रभारी बलजीत सिंह, उप निरीक्षक प्रेम सिंह जामोद, प्रधान आरक्षक अमित यादव, आरक्षक अनिल बछाने, आरक्षक घनश्याम वास्कले, साइबर सेल से उप निरीक्षक राम प्रकाश यादव, प्र आर लतेश सिंह तोमर, प्र आर राजेंद्र पांजरे, आरक्षक अरविंद तोमर, आरक्षक अमर प्रजापत, आरक्षक शेखर चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही। क्या कुछ पता चल पाया, कहाँ ले जा रहे थे, किसको देना था? ये तो अभी पूरा भी इन्होंने जितना भी प्रारंभिक जानकारी पाया था, लेकिन इनसे बारह सीज हुआ है। ये लोग चूँकि बेचने का काम करते हैं और पहले भी इनके खिलाफ ऑब्जेक्शन बंद हो, ये चोरी के अपराध भी इनके ऊपर है, तो अभी इसका काम चल रहा है कि हम बेचने के लिए जा रहे हैं। तो नहीं, ये कुछ पता चल पाया? हाँ, ये भी अभी जानकारी हुई इन्वेस्टिगेशन में। जो बाइक इनके पास जब्त हुई है वो किसकी है, कहाँ की है? वो बिना नंबर की है ना गाड़ी है, अभी उसको पुलिस ने सीज किया है। इंडियन नंबर के आधार पर हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पता ही है कि आधा साचा संहिता चुकी लगी हुई है और ऐसे टाइम में पुलिस की थोड़ी सी चेकिंग और धरपकड़ थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो उसी के चलते हमारे जसवाड़ी पे चेकिंग लगी हुई थी। तभी ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पिथलौद तरफ और गुड़ी तरफ से खंडवा के लिए 3 लड़के एक बाइक पे आ रहे हैं, उसमें चूँकि नंबर प्लेट नहीं है तो उनके पास थोड़ा सा था कि कुछ मिल जाएगा। तो चेकिंग में जब उन लोगों को पकड़ा, हमारी साइबर की टीम और हमारे CSP है ना पूनम और हमारे TI बलजीत, ये लोग एक्टिव हुए। फिर जब इन लोगों को पकड़ा तो 3 लड़के पकड़े, जिसमें धर्म सिंह पिता राधेश्याम, चरण सिंह पिता श्रीराम और सुनील पिता भूरा भगवान। ये तीनों लड़के ना बुरहानपुर के रहने वाले हैं, थाना खकनार लगता है। तो इनके पास से ये 10 पिस्टल बरामद हुई और 2 जिंदा कारतूस मिले। बाइक भी इनसे सीज हुई है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक उनको ना गिरफ्तार किया है। अब पुलिस 2-3 दिन का रिमांड लेगी, उस पर से फिर हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी तो ये है ना, बस ये है कि ये क्योंकि बेचने के पर्पज़ से ले जा रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे, अभी चूँकि जब जैसे ही मिला हमने उसको गिरफ्तार किया और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके लिए कि ये कहाँ सप्लाई कर रहा है। चुनाव चल रहा है, चुनाव में इस्तेमाल हो सकता है क्या? देखो, इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। पुलिस इसी के चलते ये सब कार्रवाई करती है और चूँकि ये बहुत बड़ी खेप मिली है, तो थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि कहाँ जा रहे थे, कहाँ कहाँ इन लोगों से कॉन्टैक्ट है।